हेलो भैया, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको चैनल में बहुत बहुत खुश आमदीद। आज आपको यूके के वर्क परमिट के बारे में, इंग्लैंड के वर्क परमिट के बारे में तफसील से बताता चलूं। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था, लेकिन कुछ मेरे ऐसे दोस्त अहबाब हैं, कोई मेरे व्यूअर्स हैं, उन्होंने मुझसे और तफसीलात मांगी, जिस बिना पे मैंने सोचा आपको पूरी तफसील से वीडियो में बताऊं कि यूके का जो वर्क परमिट है, इंग्लैंड का वर्क परमिट आप कैसे हासिल कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने प्रोवाइड करने होंगे, उसके बाद आपका जो वर्क परमिट है लगेगा। वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिएगा, देखिएगा, इंशाल्लाह आप वीडियो को देखेंगे आपको फायदा होगा। तो नाजरीन, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले आपको बताता चलूं कि जो जो मेरे दोस्त अहबाब हैं या व्यूअर्स हैं जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लिया करें, क्योंकि मेरे ज्यादातर जो व्यूअर्स हैं 75% उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ होता। तो काइंडली आपका क्या चाहता है, जस्ट वन क्लिक है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए करें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए करें, ताकि जैसी भी लेटेस्ट अपडेट आए, कोई न्यूज आए, आप तक सबसे पहले पहुंचे, आपका फायदा हो। तो नाजरीन, चलते हैं आपके टॉपिक की तरफ। आज का जो टॉपिक है वो इंग्लैंड का 5 साल का वर्क परमिट। आपको बताता चलूं, इंग्लैंड का जो ये वर्क परमिट है 2008 में ये बंद हो चुका था। उसके बाद बहुत ही मुश्किल इन्होंने पॉइंट्स रख दिए थे, जिस बिना पर बहुत ही प्रोफेशनल लोग जा सकते थे, जो जरा लोअर तबके का लोग हैं, यानी कि लेबर वगैरह या इस किस्म के पैकिंग हेल्पर या कोई भी लोडिंग अनलोडिंग का काम या रेस्टोरेंट्स में, बार्स में, एवरीवेयर, ये कि उन्होंने बंद कर दिए थे। तो अभी दोबारा ये रीओपन हुए हैं, अच्छा चांस है, अगर आप इसको अवेल करें आप खुद भी जा सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ भी जा सकते हैं। अब आपको बताते चलूं जो जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों से हमें जरूरत होंगे, जो आप प्रोवाइड करेंगे, सिर्फ आपका इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट B1, UKVI B1 जनरल आइलेट्स का टेस्ट, अगर ये आप दें, इसमें 4.5 पॉइंट इंतहाई आसानी से आप हासिल कर सकते हैं। अगर आप 1 वीक इसकी प्रिपरेशन करें, आप किसी इंस्टीट्यूट से भी इसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं, आप खुद भी मुख्तलिफ यूट्यूब पे वेबसाइट्स हैं, उस पर टीचर्स हैं जो आपको पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, आप वहां से भी ऑनलाइन फ्री में ये रहनमाई लेकर टेस्ट दे सकते हैं। मुश्किल नहीं है, आसान है, और इसको आप 4.5 बैंड लेना, अगर किसी ने मैट्रिक भी की हुई है वो भी आसानी से 4.5 बैंड ले सकता है। तो एक तो ये हो गया इंग्लिश लैंग्वेज का, ताकि बेसिक इंग्लिश आप लोगों को आनी चाहिए। आप वहां पर काम करने जा रहे हो, काम के लिए लाजमी है कि आपको बेसिक इंग्लिश तो आनी चाहिए, जो कि बहुत ही आसान है। उसके बाद आपका पासपोर्ट चाहिए होगा, आपका जो CNIC नंबर, शिनाख्ती कार्ड नंबर जो आपके, वो चाहिए होगा, दैट्स इट। ये आप डॉक्यूमेंट्स देंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स यूके जाएंगे, वहां से UKVI से अप्रूव होगा, जब आपका वर्क परमिट वो पाकिस्तान आएगा या किसी भी मुल्क में आप हैं वहां से अप्लाई करना चाहते हैं, आपके कंट्री में आएगा वर्क परमिट, वो लेकर आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है, जाना है यूके की एम्बेसी में, कॉन्सुलेट में, आप जमा करवाएं, इंशाल्लाह आपको 1 वीक के अंदर वीजा मिल जाता है। टोटल प्रोसेस में अगर देखा जाए 5 से 6 वीक लगते हैं इसके, जो प्रोसेस अगर यूके से लेकर पाकिस्तान या आप जो उनसे भी मुल्क में रहते हैं उस मुल्क तक वीजा लगने तक 5 से 6 वीक लगते हैं। 5 से 6 वीक के अंदर इंशाल्लाह आप यूके चले जाएंगे। और आपको बताता चलूं, ये 3 साल का भी वर्क परमिट अवेलेबल है हमारे पास, 5 साल का भी, तो 5 ईयर का भी और 3 ईयर का भी अवेलेबल है। अब आप तक आप कौन सा अवेल कर सकते हैं, जो आपको रिलायबल लगे, आप आसानी से तो उसके चार्जेस वगैरह पे कर सके, आप उसमें करें। आपको मेरा जो यूट्यूब चैनल है इस पर मेरा फोन नंबर भी मिल जाएगा, मैं आपको मेंशन करता होता हूँ हर वीडियो पर। आप अगर मेरे फेसबुक पेज पे जाएं, वहां पर भी आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर देख सकते हैं, ले सकते हैं, मुझे कॉल करें, इंशाल्लाह और भी कुछ मालूम आपको चाहिए हुई वो भी मैं दे दूंगा। कई मेरे दोस्त अहबाब हैं जो व्यूअर्स हैं, ज्यादातर मुझसे जो कॉन्टैक्ट किया उन्होंने पूछा गया कि अगर हमारे 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, मैंने उनको बोला, आपको मैं पूरी तफसील से उनको मैंने बता दिया, लेकिन इंस्टेड ऑफ अगर कोई और मुझे कॉल करे और मुझसे दोबारा पूछे, तो मैंने यही सोचा कि इंस्टेड ऑफ उनको बार बार बताने के एक तफसीलन वीडियो में बता दूं, ताकि सारे पॉइंट जो जो मुझसे पूछे गए हैं, और भी अगर कोई नए व्यूअर्स देखते हैं उनको भी ये पॉइंट्स पता चल जाए। तो गाइस, आप लोगों को बताता चलूं कि अगर आप सिंगल अप्लाई करना चाहें, आप सिंगल भी कर सकते हैं, फिर फैमिली भी कर सकते हैं, या तो मेन एप्लीकेंट आपकी वाइफ होगी या आप होंगे। जो मेन एप्लीकेंट होगा सिर्फ आईएलएस, जो UKVI जो आईएलएस का टेस्ट है, सिर्फ जनरल का टेस्ट, B1 का टेस्ट सिर्फ उसको देना पड़ेगा जो मेन एप्लीकेंट है। अगर आपकी वाइफ मेन एप्लीकेंट है उनको देना पड़ेगा, अगर आप खुद हस्बैंड जो है वो मेन एप्लीकेंट है तो उनको ये टेस्ट देना पड़ेगा। उसके अलावा ये है, इसमें ये फायदा भी है, अगर आपकी वाइफ जो होती है वो मेन एप्लीकेंट बनती है तो आप जो है वो डिपेंडेंट हो गए, आप आजाद हैं खुदी तौर पर, किसी भी जगह आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों का ये है, बच्चे जितने भी आपके होंगे, बच्चों का, तमाम बच्चों का आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनकी एज जो लिमिट है वो 18 ईयर से कम हो, 18 ईयर से अबव है अगर आपके बच्चे, उनका आप अप्लाई नहीं कर सकते। आप सिर्फ जो उन बच्चों का कर सकते हैं जो 18 ईयर से कम उम्र के होंगे। तो ये क्वेश्चन भी बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा, तो मैं आपको बता दिया। इसके अलावा कई लोग ये पूछते हैं कि 5 ईयर जब हमारे गुजर जाएंगे, और या 3 ईयर का अगर हम वर्क परमिट लेंगे आपसे, चले 5 ईयर का तो मैंने पहले भी बताया कि आफ्टर 5 ईयर जब आपका ये वर्क परमिट खत्म होने वाला होता है, 1 माह पहले आप विंडो पर भी जा सकते हैं। अगर आप लंदन में, तो आप क्राइडन चले जाएं विंडो पे, होम ऑफिस में, उधर जाके अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करवाएंगे, ILR के लिए आप एप्लीकेशन देंगे, इंडेफिनेट लीव टू रिमेन, वो आपको इंडेफिनेट लीव टू रिमेन मिल जाएगा, आपके पास पासपोर्ट के ऊपर स्टिकर लगेगा, उससे यह है कि आप पूरी जिंदगी यूके फ्री आ जा सकते हैं, आपको वीजे की जरूरत नहीं होती।
तो अगर आप चाहें कि आप पासपोर्ट लेना चाहें, फिर आप पासपोर्ट के लिए आपको एक साल का इंतजार करना होता है। उस एक साल में आपकी कोई ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए, जिससे अगर कोई भी, अगर सपोज क्रिमिनल एक्टिविटीज ये भी होती हैं, अगर आप वहां पर कोई बस का टिकट पे किए बगैर बस में आपने ट्रेवल कर लिया, या किसी ट्रेन पर आप चले गए, बस आपने ट्रेन का टिकट नहीं परचेस किया, ये भी आपके ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस होता है। तो ये भी हो तो फिर आपका केस 5 ईयर फॉरवर्ड चला जाता है, फिर आपको 5 ईयर वेट करना पड़ता है। जहां तक बात है 3 साल के वर्क परमिट की, ऑफ कोर्स ये एक्सटेंडेबल होता है। 3 साल आप कंपनी में काम करें, 3 साल बाद आप उनको बोलें जब थोड़ा सा टाइम रहता हो मैंने आपके साथ ये वीजा अपना एक्सटेंड करवाना है, तो वो आपको एक्सटेंड आपकी जो एप्लीकेशन है वो डाल देंगे, उसमें आपको 3 साल का और वर्क परमिट मिल जाएगा। तो जब आपके 5 साल गुजर जाएं आप फिर भी ILR के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। आपके पास बहुत ही अच्छा सुनहरी मौका है, अच्छा चांस है, गोल्डन चांस है, आप इसको अवेल करें। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं लाजमी इसको अवेल करें, अच्छा सुनहरी मौका है आप लोगों के लिए। आप खुद जाएं या अपनी फैमिलीज को लेके जाएं, बच्चों की जो तालीम है बेस्ट तालीम आपको मिलेगी, मेडिकल की सहूलियात इतनी है बिल्कुल फ्री है। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि आप अपनी लाइफ एक बेस्ट जो है ना वो गुजार सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आपका मजीद भी कोई मुझसे सवाल हुआ आप मुझे फोन पे कॉन्टेक्ट करें, इंशाल्लाह आपको मैं आंसर करूंगा। और भी कोई मेरे दोस्त अहबाब थे जो कि पाकिस्तान के अलावा उन्होंने मुझसे कॉन्टेक्ट किया डिफरेंट कंट्री से, ऑफ कोर्स वो भी अप्लाई कर सकते हैं, मैंने उनको बता दिया था। अगर कोई नए व्यूअर्स हैं जो ये जानना चाहें क्या वो भी अप्लाई कर सकते हैं, पूरी दुनिया से कोई भी अप्लाई कर सकता है, चाहे आप दुनिया की किसी भी कंट्री में हो, अगर आपको यूके का वर्क परमिट चाहिए हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आप ले सकते हैं। क्योंकि इनके लिए ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान के लिए वर्क परमिट है, नहीं, ये पूरी दुनिया में जो लोग ख्वाहिशमंद हैं वर्क परमिट पे यूके जाना चाहें वो जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया, मुख्तलिफ कंट्रीज से भी मुझे कॉल्स आई, तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन वीडियो में ही दे दिया करूं, ताकि आप मुझे कॉल करके कोई और नया क्वेश्चन पूछें। तो ये है कि अगर आप वीडियो ही देख के पूरी चीजें जान जाएं तो ये बेस्ट होता है आप लोगों के लिए, आपका टाइम सेव हो जाता है, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो गाइस इंशाल्लाह मेरा जो अगला जो वीडियो होगी उस पर मैं आपको साइप्रस के वर्क परमिट के बारे में बताऊंगा। मैंने जैसे कि पहले भी बताया मेरी मीटिंग्स इंशाल्लाह चल रही है, जैसी वो मीटिंग्स कंप्लीट होती हैं मुझे पूरी तरह उधर मेरा साइन कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है, फिर मैं आपसे इंशाल्लाह वीडियो में आपको तमाम तफसीलात बताऊंगा। किर्गिस्तान की ऑलरेडी मैंने आपको वीडियो बना के बता दी, जो वर्क परमिट आए हुए हैं, जो 15 दिन की डेडलाइन है, विद इन 15 डेज जो जो लोग अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं, वो टेलर मास्टर की जो जॉब वैकेंसीज है, खाना पीना रिहाइश टोटली कंपनी की तरफ से है, आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आप मेरी आने वाली वीडियो जरूर देखिएगा, आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दें, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, जैसी कोई नई वीडियो आए, कोई लेटेस्ट अपडेट आए सबसे पहले आप तक पहुंचेगी, इंशाल्लाह आप उसको देखेंगे सुनेंगे आप उससे फायदा उठाएंगे। इसी के साथ आपसे ज्यादा चाहता हूं, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।